हेलो दोस्तों, आपका मैथ स्टडी में विजय सर में स्वागत है। आपका इस वीडियो में स्वागत है दोस्तों। आज हम इस वीडियो में प्रिज्म पढ़ेंगे, एकदम बेसिक से पढ़ेंगे दोस्तों। और लास्ट में मैं एक आपको कुछ जब क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको ट्रिक भी बताऊंगा दोस्तों। वो ट्रिक का बाप होगा, आपको चुटकियों में तब करते हुए वो क्वेश्चन आ जाएगा दोस्तों, विश्वास नहीं है तो चलिए सबसे पहले प्रिज्म पढ़ेंगे दोस्तों। तो आपको बेसिक से एकदम बताएंगे किस तरह बेसिक से होता है। ट्रिक कहीं से आता नहीं है दोस्तों, ट्रिक जो हल करते हैं उसी का शॉर्ट फॉर्म होता है, ठीक है ना। तो चलिए ट्रिक भी बताएंगे, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए प्रिज्म के बारे में समझिए, सबसे पहले प्रिज्म होता क्या है। देखिए दोस्तों, प्रिज्म ऐसी आकृति होती है जिसका शीर्ष यानी ऊपर वाला और आधार पे समान आकृति होती है, ठीक ना, समान आकृति बनी होती है। यानी ऐसी आकृति जिसका बेस यानी आधार और शीर्ष पर समान आकृति बनी हुई है और सामने के फलक आयताकार हो, सामने के फलक आयताकार हो। और देखिए दोस्तों, जैसे जैसे मान लीजिए नीचे नीचे कोई त्रिभुज बना है, क्या बना है, त्रिभुज, तो ऊपर भी क्या बनेगा दोस्तों, त्रिभुज। इसको देखिए मिला दीजिए, ये क्या हो गया, प्रिज्म हो गया, क्या हो गया, प्रिज्म, ठीक ना। और मान लीजिए कोई नीचे चतुर्भुज बना है दोस्तों, क्या बना है, चतुर्भुज, तो ऊपर भी क्या बनेगा दोस्तों, चतुर्भुज ही रहेगा, ऊपर चतुर्भुज ही चतुर्भुज ही रहेगा। इसको मिला दीजिए, देखिए प्रिज्म हो गया। आप कहेंगे दोस्तों कि ये तो क्यूबाइड दिख रहा है, क्यूबाइड या क्यूब जैसा दिख रहा है, ठीक ना, बड़ी आकृति बन के, तो क्यूबाइड या क्यूब जैसा। तो देखिए दोस्तों, क्यूबाइड या क्यूब भी एक प्रिज्म ही होता है। जैसे मान लीजिए बेलन बना लीजिए, क्या बेलन, तो बेलन पे क्या होता है, नीचे भी सर्कल होता है ऊपर भी सर्कल होता है, यानी ऊपर और नीचे वाला क्या होता है, फलक समान होते हैं, यानी शीर्ष और बेस समान होते हैं। ऐसे में देखिए दोस्तों, ये जो सामने वाला दिख रहा है क्या है, आयताकार रूप है। इसमें भी जो सामने वाला दिख रहा है क्या है, आयताकार रूप है। तो ये क्या होता है, प्रिज्म होता है दोस्तों। तो प्रिज्म समझ में आ गया, प्रिज्म में क्या होता है कि नीचे वाले फलक और ऊपर वाले फलक समान होते हैं, जबकि सामने वाले फलक क्या होते हैं, आयताकार रूप में होते हैं, सामने वाले फलक आयताकार रूप में होते हैं। तो चलिए अब देखिए दोस्तों, सूत्र के बारे में समझते हैं। जैसे मान लीजिए एक प्रिज्म बना लीजिए छोटा सा, जैसे मान लीजिए त्रिभुज वाला ही ले रहे हैं, ठीक, त्रिभुज वाला ले लीजिए, ये प्रिज्म बन गया दोस्तों, क्या हो गया, ये प्रिज्म बन गया। तो प्रिज्म बन गया, तो देखिए दोस्तों सबसे पहले पहला सूत्र, पहला कि प्रिज्म का पार्श्व क्षेत्रफल, यानी प्रिज्म का पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल, पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल, पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल मतलब दोस्तों लैटरल सरफेस एरिया, लैटरल सरफेस एरिया भी कहते हैं, कर्व्ड सरफेस एरिया भी कह सकते हैं, ठीक ना, इंग्लिश में दो नाम और हिंदी में आंतरिक पृष्ठ का क्षेत्रफल भी कहते हैं। तो देखिए दोस्तों, प्रिज्म का पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, तो होता है आधार का परिमाप, आधार का परिमाप, परिमाप इधर लिख दे रहे हैं दोस्तों कि आधार का परिमाप, आधार का परिमाप गुड़े ऊंचाई, गुड़े ऊंचाई। देखिए आधार का परिमाप मतलब, देखिए अब आधार कैसा बन रहा है दोस्तों, त्रिभुज जैसा बन रहा है, कैसा, त्रिभुज। तो जैसे मान लीजिए अगर ये भुजा ए होगी, ये भुजा बी होगी, ये भुजा सी होगी, ठीक ना, तो इसका परिमाप क्या हो जाएगा दोस्तों। देखिए परिमाप किसी भी बंद आकृति का परिमाप निकालना हो तो आप क्या करेंगे, सभी भुजाओं को जोड़ देंगे, ठीक। तो इसका परिमाप क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी, यानी इसका परिमाप हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी, कोष्टक में क्या हो जाएगा, ऊंचाई, कोष्टक में ऊंचाई। ये कहां से आया दोस्तों, इसको भी देख लीजिए कि कहां से आया। देखिए दोस्तों, जैसे मान लीजिए अगर ये आकृति ले लेंगे हम ऊंचाई, इसको h मान लेंगे ऊंचाई h, तो अगर ये लेंगे तो ये कैसा बन रहा है, ये आयत जैसा बन रहा है, आयत जैसा, ये h हो गया, ये a हो गया, तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, ए एच, ए एच, ए गुणे एच। और वैसे और इस आकृति को देखे तो इसमें भी बेस हो गया बी और ऊंचाई हो गया इसमें भी एच, तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, बी एच, बी गुणे एच। और जो सी वाले भुजा के देखेंगे उसका भी क्या हो जाएगा, सी एच, सी एच, सी गुणे एच, तीनों में क्या कॉमन है दोस्तों, एच कॉमन है एच, तो क्या बच गया, ए बच गया, बी बच गया, सी बच गया, तो ए प्लस बी प्लस सी एच। देखिए दोस्तों आ गया, तो ये क्या हो गया, परिमाप हो गया, ए बी सी को क्या कहते हैं, परिमाप।
त्रिज्म का है। इसका मतलब कि अगर समझ में आए दोस्तों, अगर तीन भुजा है और परिमाप पूछ रहे थे, तीनों को जोड़कर ऊंचाई से गुणा कर दे रहे हैं, अगर चार भुजा जैसे मान लीजिए चतुर्भुज बना दे, तो हमारा परिमाप का सूत्र क्या हो जाएगा कि ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी गुणे ऊंचाई। उसी तरह पंचभुज रहेगा दोस्तों पेंटा का, तो पांचों भुजाओं को जोड़ देंगे और क्या कर देंगे, ऊंचाई से गुणा कर देंगे। तो पहला सूत्र समझ में आ गया दोस्तों कि प्रिज्म कि कोई भी प्रिज्म हो, कोई भी प्रिज्म, तो प्रिज्म का अगर लेटरल सरफेस एरिया पूछ दे, बाजू पृष्ठ या आंतरिक पृष्ठ का क्षेत्रफल पूछ दे, तो हमारा सूत्र क्या हो जाएगा कि आधार का परिमाप यानी पेरीमीटर गुणे ऊंचाई हो जाएगा। ठीक ना, आधार का परिमाप गुणे ऊंचाई। अब दूसरा सूत्र देखिए दोस्तों कि टोटल सरफेस एरिया यानी कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, कुल संपूर्ण पृष्ठ, कुल संपूर्ण पृष्ठ। देखिए दोस्तों अगर कुल संपूर्ण पृष्ठ यानी टोटल सरफेस एरिया अगर निकालेंगे, देखिए टोटल का मतलब क्या होता है, जोड़कर, जैसे मान लीजिए मैं कहूंगा कि आपके पूरी शरीर में कितनी उंगलियां हैं, तो आप कहेंगे पांच पांच दस, पांच पांच दस यानी नीचे की दस उंगलियां, तो बीस हो गई। टोटल किस तरह निकला, जोड़ कर निकला। तो उसी तरह अगर टोटल सरफेस एरिया निकाला है दोस्तों, तो क्या करेंगे, इसको जोड़ देंगे। तो टोटल का मतलब क्या, लैटरल सरफेस एरिया, लैटरल सरफेस एरिया प्लस अब एक नीचे आकृति बन रही है त्रिभुज जैसी, ऊपर आकृति बन रही है त्रिभुज जैसी, इन दोनों को भी जोड़ेंगे। लैटरल का मतलब होता है दोस्तों कि जो चारों ओर से दिखाई दे रहा है वो लैटरल, जो चारों ओर से दिखाई दे रही है आकृति वो लैटरल हो गया। और टोटल का मतलब दोस्तों जो ऊपर भी नीचे भी और चारों वाला भी, तो चारों वालों का मतलब ये कि लैटरल सरफेस एरिया, और ऊपर नीचे, ऊपर नीचे मतलब ये त्रिभुज वाला त्रिभुज वाला, यानी क्या, तो एक त्रिभुज एक त्रिभुज, तो क्षेत्रफल निकालना है ना, तो एक त्रिभुज का क्षेत्रफल एक त्रिभुज का क्षेत्रफल, यानी दो गुणे त्रिभुज का क्षेत्रफल, यानी क्या कर क्या कर सकेंगे, दो गुणे आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल। अब आधार का क्षेत्रफल क्यों कहें दोस्तों, आधार का क्षेत्रफल इसलिए कहें क्योंकि त्रिभुज भी बन सकता है, चतुर्भुज भी बन सकता है, पंचभुज भी बन सकता है। ठीक ना, इसीलिए क्या हो गया, आधार का क्षेत्रफल हो गया। तो इतना समझ में आया दोस्तों। अब देखिए अब तीसरा सूत्र दोस्तों, ये दो सूत्र हो गए। तीसरा सूत्र होता है कि जैसे प्रिज्म का, ये प्रिज्म का संपूर्ण पृष्ठ, अब प्रिज्म का आयतन, प्रिज्म का आयतन, प्रिज्म का आयतन, तो प्रिज्म का आयतन का मतलब दोस्तों वॉल्यूम का आयतन। जैसे मान लीजिए आपने बेलन का आयतन पढ़ा होगा, बेलन का आयतन पढ़ा होगा, तो बेलन का आयतन क्या होता है, आधार, आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई। आधार का क्षेत्रफल उसमें क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, पाई आर स्क्वायर, ऊंचाई यानी एच, पाई आर स्क्वायर एच आ गया बेलन का। तो इसी तरह अगर पीजी में का भी आयतन निकालना है तो वही सूत्र हो जाएगा कि आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई, आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई। अब आधार का क्षेत्रफल मतलब दोस्तों प्रिज्म है तो नीचे क्या बन सकता है, त्रिभुज बन सकता है, तो उसका क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। चतुर्भुज बन जाएगा तो उसका क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। ठीक ना, अगर समलंब चतुर्भुज बन जाएगा ट्रेपेजियम, तो उसका चतुर्भुज क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। तो अब ये निकालने के लिए आपको क्या कारण रहना चाहिए दोस्तों, आपको सूत्र याद रहना चाहिए। जैसे मान लीजिए अगर समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल पूछ दे, तो आपको सूत्र याद रहना चाहिए कि क्या होता है, वन बटा टू समांतर भुजाओं का योग, और नीचे समबाहु त्रिभुज बना दे प्रिज्म में, नीचे अगर समबाहु त्रिभुज बना दे, तो आपको समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल याद रहना चाहिए, रूट थ्री बटा फोर गुणे भुजा का स्क्वायर। विषम भाव बता दे, विषम भाव बना दे, तो आपको सूत्र याद रहना चाहिए, अंडर रूट एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। ठीक ना, ये आपको सूत्र क्या रहना चाहिए, याद रहना चाहिए कि त्रिभुज चतुर्भुज नीचे आकृति बना है। परीक्षा में अक्सर ज्यादा त्रिभुज ही बनाता है दोस्तों, त्रिभुज और समलंब चतुर्भुज ज्यादा बनाता है। तो आप तीन सूत्र याद हो गए दोस्तों, प्रिज्म का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल यानी लैटरल सरफेस एरिया, आधार का परिमाप गुणे ऊंचाई, और टोटल सरफेस एरिया आधार का क्षेत्र, तो लैटरल सरफेस एरिया प्लस दो गुणे आधार का क्षेत्रफल, आयतन यानी आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई। अब देखिए दोस्तों इसमें भी जैसे संपूर्ण पृष्ठ आयतन, बस इसी में क्षेत्रफल है, संपूर्ण पृष्ठ और आयतन इसी में क्षेत्रफल है, लैटरल सरफेस एरिया में क्षेत्रफल नहीं है, इस तरह थोड़ा सा दिमाग में बैठा जाएगा। चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो पहला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, स्क्रीन पर दिख रहा होगा, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि एक लंब प्रिज्म का आधार एक आयत है। लंब प्रिज्म का क्या है, आधार क्या है, एक आयत जैसा है। ठीक ना, लंब प्रिज्म का आधार एक आयत जैसा है, तो बना लीजिए आयत जैसा। अब क्या कह रहा है कि इसकी भुजाओं में कितना अनुपात दिया है, इसकी लंबाई और चौड़ाई में तीन संबंध दो का अनुपात है। ठीक, थ्री एक्स मान लेंगे, आइए टू एक्स मान लेंगे, और ऊंचाई दे दिया है
कि इसकी प्रिज्म की ऊंचाई 12 सेंटीमीटर, तो ऊंचाई कितना दे दिया है 12 सेंटीमीटर। और क्या दे दिया है, दे दिया है कि कुल पृष्ठ क्षेत्रफल है, टोटल सरफेस एरिया दे दिया 288 वर्ग सेंटीमीटर। तो प्रिज्म का आयतन पूछा है, प्रिज्म का आयतन। तो देखिए दोस्तों, टोटल सरफेस एरिया दिया है ना, यानी टोटल सरफेस एरिया कितना दे दिया है 288 दिया है ना, 288 वर्ग सेंटीमीटर, 288 दे दिया दोस्तों। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है हमारा, लैटरल सरफेस एरिया प्लस 2 × आधार का क्षेत्रफल होता है, 2 × आधार का क्षेत्रफल बराबर कितना ना 288। मतलब टोटल सरफेस एरिया का सूत्र में लिखा है, लैटरल सरफेस एरिया में पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा, आधार का परिमाप गुणे ऊंचाई। तो आधार का परिमाप क्या हो जाएगा, आधार का परिमाप यानी 3x 2x, आधार का परिमाप दो कोष्टक में लंबाई धन चौड़ाई लगा लेंगे। मतलब आए थे आयत का परिमाप या 3x 3x 6x 6x 2x 2x 4x, यानी 6x 4x कितना हो जाएगा 10x, 3 × 2 = 5, 5 × 1 = 10x। तो आधार का यानी आगे लेटर सरफेस से आधार का परिमाप यानी 10x गुणे ऊंचाई कितना दिया है 12 प्लस 2 × आधार का क्षेत्रफल। आधार का क्षेत्रफल अब निकालिए, तो आधार का क्षेत्रफल यानी लंबाई गुणे चौड़ाई होगा, आयत है तो लंबाई गुणे चौड़ाई यानी 3x × 2x, यानी 3 × 6x² 6x² बराबर 288। तो अब निकाल लीजिए, देखिए कर लीजिए इसको, कितना हो जाएगा 12 × 120x प्लस 6 × 12 x² बराबर 288। तो पछातर कर लीजिए, 12x² प्लस 120x आइए इधर आएगा तो -288, 12 वर्ग कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा x² प्लस 12 × 120 माइनस 12 × 24 4 × 28 = 48 बराबर 0। आगे ना दोस्तों, तो देखिए 24 को गुणनखंड करना है कि 10 लाना है, ठीक ना, घटा कर तो देखिए 12 × 24 12 × 24 यानी 12 आया आप -2 आया, ठीक ना, कर भी सकते हैं। तो प्लस 12 − 2 आ जाएगा ना, प्लस 12 − 2 करेंगे तो +10 आ जाएगा, यानी x की वैल्यू कितना आ गया, माइनस वाला लेते हैं तो x बराबर कितना आ गया 2 आ गया, x बराबर 2। तो अब पूछा है हमसे आयतन, पूछा है दोस्तों, तो आयतन निकालने के लिए सबसे पहले ये निकालिए भुजा। तो अगर x का मान 2 आ गया तो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, 3 × 6 यहाँ पर 2 रखेंगे 2 × 2 = 4 हो जाएगा, तो भुजा निकल गया। तो अब निकाल लीजिए आयतन, पूछा है तो आयतन बराबर, आयतन बराबर क्या लिखा है, आयतन बराबर आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई। आधार का क्षेत्रफल आगुणे ऊंचाई, आधार का क्षेत्रफल कितना 6 × 24 आगुणे ऊंचाई कितना, ऊंचाई दिया है 12, ऊंचाई 12 तो कितना हो जाएगा, गुणा कर दिए 4 × 48 12 × 24 = 28 यानी 288 cm² या वर्ग सेंटीमीटर। आगे दोस्तों आयतन पूछा था, अब देखिए दोस्तों, अब मैं ट्रिक बता रहा हूँ, क्या ट्रिक बता रहा हूँ, देखिए ट्रिक का बाप कह लीजिए इसको, ट्रिक का बाप, इतना करना नहीं पड़ेगा दोस्तों, ट्रिक का बाप है। अब देखिए किस तरह आ जाएगा जल्दी से ऑप्शन के थ्रू, देखिए ऑप्शन क्या दिया दोस्तों, ऑप्शन दिया है 286 291, लिख दे रहे हैं ऑप्शन, मिटका कर इसको, 286 291 288 290 ये ऑप्शन दे दिया दोस्तों। हमसे पूछा था आयतन, हमसे पूछा था आयतन, आयतन आधार का क्षेत्रफल होता है, आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई, आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई होता है। देखिए दोस्तों आधार का क्षेत्रफल क्या, आधार का क्षेत्रफल नीचे आया था, आयतन का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी 3x 2x माने थे, तो 3x यहाँ पर देखिए 3x माने थे इसको, 2x माने थे, तो कितना हो जाएगा 3 × 6x² आधार का क्षेत्रफल हो जाएगा 6x² गुणे ऊंचाई दिया था 12। तो इसका मतलब दोस्तों अगर इन दोनों को गुणा करेंगे इसका वैल्यू जो भी आएगा, तो ये 6 से कटना चाहिए आपसे, क्या कटना चाहिए, 6 से गुणांक है तो 6 से कटना चाहिए आपसे, तो 6 से देखिए कौन कौन कट रहा है, 6 × 24 4 × 28 नहीं कट रहा है दोस्तों, 6 × 24 कितना बचा 5, ये भी नहीं कट रहा है दोस्तों, इसको कटिए 6 × 24 4 आज 6 × 7 = 48 कट जा रहा है, 6 से ये भी नहीं कट रहा है दोस्तों, ठीक है ना। तो कौन सा ऑप्शन हो गया 288, देखिए दोस्तों ये ट्रिक का बाप था, कितना जल्दी से आ गया। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक लंब प्रिज्म का आधार एक ट्रेपेजियम है, ट्रेपेजियम मतलब समलंब चतुर्भुज, जिसके दो समांतर पार्श्वों के लंबाई 10 और 6 सेंटीमीटर है, उनके बीच की दूरी 5 सेंटीमीटर है, यदि प्रिज्म की ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है तो आयतन बताइए। देखिए दोस्तों
और इसका जो बेस है प्रिज्म का वो क्या है, एक समलंब चतुर्भुज है, समलंब ट्रेपेजियम मतलब समलंब चतुर्भुज। और इसके भुजाए दिया कितना, 10 और 6 यानी 10 और 6 दे दिया, और बीच की दूरी कितना दे दिया है, बीच की दूरी दे दिया 5 सेंटीमीटर, बीच की दूरी 5 सेंटीमीटर दे दिया। और ऊंचाई दे दिया है दोस्तों, ऊंचाई मतलब जो प्रिज्म है उसकी ऊंचाई दिया है, प्रिज्म की ऊंचाई, प्रिज्म की ऊंचाई, प्रिज्म की ऊंचाई कितना दिया है, 8 सेंटीमीटर, ठीक ना। आयतन पूछा है दोस्तों, तो देखिए प्रिज्म का आयतन निकालने के लिए क्या सूत्र होगा, प्रिज्म का आयतन यानी आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल अगुणे ऊंचाई। आधार का क्षेत्रफल, तो आधार कैसा बन रहा है दोस्तों, ट्रेपेजियम बन रहा है यानी समलंब चतुर्भुज बन रहा है। तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, आधार का क्षेत्रफल मतलब समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, और सूत्र याद रहना चाहिए 1/2 आधार समांतर भुजाओं का योग ऊंचाई, 1/2 समांतर भुजाओं का योग, तो समांतर भुजा 6 और 10 है, तो योग यानी 10 + 6 अगुणे ऊंचाई, ऊंचाई कितना, इसका ऊंचाई 5 अगुणे इसका ऊंचाई कितना दिया है, प्रिज्म का 8, इसको कर लीजिए 1/2। और एक बार और सूत्र समझ लीजिए, सुन लीजिए, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 समांतर भुजाओं का योग अगुणे ऊंचाई, तो आप कर लीजिए 1/2 10 × 6 = 16 अगुणे 5 × 8 कर दीजिए, इसको 2 × 2 = 16 गुणा कर दीजिए 5 × 8 = 40 यानी 8 × 40 तो कितना हो जाएगा, 320 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए दोस्तों, अब ट्रिक का बाप बता रहे हैं कि कैसा ट्रिक का बाप है, देखिए देखिए अब ट्रिक का बाप, ट्रिक का बाप। तो अब देखिए दोस्तों, अब देखिए, अब ऑप्शन लिख लीजिए, ऑप्शन कितना कितना दिया है, ऑप्शन दिया है 320 300, पहला ऑप्शन 320, दूसरा ऑप्शन 300, तीसरा ऑप्शन कितना दिया है 310, 300.5। तो देखिए दोस्तों, अब हमसे आयतन पूछा था, क्या पूछा था, आयतन, आयतन का सूत्र होता है आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई। मान लीजिए आपको सूत्र नहीं याद है, ट्रेपेजियम का सूत्र नहीं याद है, ऊंचाई तो आधार का क्षेत्रफल, ऊंचाई तो दिया है, मान लीजिए ये नहीं याद है, हमको नहीं याद है, ऊंचाई तो दिया था हमको 8, तो इसका मतलब कि जो ऑप्शन दिया है वो 8 से क्या होना चाहिए, यहाँ पर कुछ भी आए तो ये 8 का गुणा जाएगा ना दोस्तों, यहाँ कुछ भी आए इसका गुणा करने पर 8 का गुणा जो होगा, यानी जो ऑप्शन दिया रहेगा वो 8 से कटेगा, ठीक, 8 से कटेगा, 8 से ये कट रहा है, नहीं कट रहा है, अतिरिक्त 24 5 6 नहीं कट रहा है, 8 से ये नहीं कट रहा है, 8 से ये नहीं कट रहा है, 8 से ये कट रहा है, तो कौन सा हो जाएगा, ये नहीं होगा। अब कहेंगे दोस्तों कि अगर 8 से सब चारों कट जाए तो, 8 से चारों कट जाए तो उसका भी उपाय है दोस्तों, 8 का दुगुना कर दीजिए, अब 8 का दुगुना कर दीजिए ना कितना, 16, 16 से देख लीजिए कौन कौन ऑप्शन कट रहा है, अगर 16 से भी 2-3 कट जाए, 2 कट जाए उसमें कंफ्यूज है, तो 8 × 3 × 3 कर लीजिए दोस्तों, 3 × 3 अतिरिक्त 24 से देख लीजिए कौन सा कट रहा है। देखिए दोस्तों, ट्रिक का बाप था। अगर अगले वीडियो में मैं दोस्तों और क्वेश्चन पढ़ाऊंगा, ट्रेपेजियम का कॉल क्वेश्चन करा दूंगा, तो आज के लिए बस इतना है दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, और लाइक शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।